हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ आज हमारी जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी सेकंड नंबर की क्लास है, जो आरएसई हो, सीईटी, एनजेएन, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं जो पहले हो चुके हैं और जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमने सीरीज चला रखी है और उसका सेकेंड पार्ट है, और इन क्वेश्चन के साथ इनका रिविज़न भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। सेकंड ग्रेड संस्कर 2011 एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। तो जो राजस्थान में नदी प्रवाह है वो मतलब तीन रूपों में पाया जाता है। तीन रूप है राजस्थान में नदी प्रवाह के। जो पहला रूप है वो है बंगाल की खाड़ी का, ये अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी। जो पहला रूप है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागर। और तीसरा है अंतःप्रवाह नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है। जो राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है, पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा अंतःप्रवाह की नदियाँ। तो जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो है लगभग 24%। 24% एरिया में जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो 24% बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, 16% के आसपास जाकर गिरती है अरब सागर में, और जो बाकी है 60% वो अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। मतलब ये राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाई जाता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3, 4, या ऑप्शन नंबर 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3। राजस्थान में नदी प्रवाह तीन रूपों में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंतःप्रवाह नदियाँ। जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं वो जैसे बनासुई चंबल, बनास संबल में मिलती है, और ये नदियाँ इस प्रकार से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में माही नदी, लूनी नदी, ये सारी अरब सागर में अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। घग्गर नदी, कातली नदी, ये सारी अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखें तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। जो BSTC एग्जाम 2008 है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। तो जो ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर, मतलब ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है, ऑप्शन नंबर 1 हम देखें तो सरस्वती, 2 लूणी, 3 कातली या कातली, 4 काकनी। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है वो सरस्वती नदी है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में एक दो नदियों का उल्लेख है, एक है सरस्वती और दूसरी है जो द्वेष दत्ती नदी है जो जयपुर के अंदर बहती है, द्वेष दत्ती नदी, ये जयपुर के अंदर बहती है, और इसी का दूसरा नाम है वो है अमीन शाह का नाला, अमीन शाह का नाला, जिसे द्रव्यती नदी भी, इस द्वेष दत्ती नदी का नाम है। ये दोनों नदियाँ जो हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, RS-PRI एग्जाम में 2009 का उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कल की क्लास में कि अजमेर से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, लूनी नदी, ये अजमेर से निकलती है, और जब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर मतलब भारी वर्षा हो जाती है तो बालोतरा, बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर एक स्थान है बालोतरा, वहाँ पर जो बालोतरा का जो जो स्थल है वो नदी का जो पेटा है उससे नीचे भी यहाँ का धरातल है बाड़मेर, बालोतरा का तल नदी पेटे से भी नीचे स्थित है। एक तो बालोतरा का और एक यहाँ मतलब राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ पड़ता है, हनुमानगढ़ जंक्शन, वहाँ का भी जो धरातल है वो नदी पेटे जो घग्गर नदी निकलती है उससे नीचे स्थित है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो जो बालोतरा बाड़मेर है
वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा बाड़मेर के बारे में मैंने आपको बताया कि बालोतरा बाड़मेर से पहले लूनी नदी का पानी है जो मीठा होता है, इसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह जब उसकर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में। अजमेर में नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? सेकेंड ग्रेड इंग्लिश 2011 आर एस 1998 ए आर ओ 2022 पटवार 2011 कांस्टेबल 2013 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 आर्थिक अन्वेषण 2018। देखिए ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं अपन इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने नदी कहीं पे पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, ये राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जिनमें नदियाँ नहीं हैं। एक जिला है पहला बीकानेर व दूसरा जिला है चूरू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर व चूरू। ये चीज़ अच्छे से आपको याद करनी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ें तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 पुलिस कांस्टेबल 2007 सेकंड ग्रेड 2009 जेल प्रहरी 2018 महिला पर्यवेक्षक 2015। इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? अब हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर एक माही, दो लूनी, तीन चंबल, चार सोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चंबल नदी पर। इसके अलावा अन्य अपन जलप्रपातों की बात करें तो जो भीमलत जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात है ये है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में स्थित है और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है मांगली नदी। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है बूंदी जिले के अंदर। इसके अलावा जो एक और जलप्रपात की हम बात करें तो उस जलप्रपात का नाम है मैनाल, मैनाल जलप्रपात। ये मैनाल नदी में है भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले के अंदर मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात पड़ता है। मैनाल नदी। तो ये सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, भीमलत जलप्रपात है बूंदी जिले में, मांगली नदी पर है, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में मैनाल नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है, प्रयोगशाला सहायक 2016 JEN 2016। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है उनके बारे में हम बात करें, ऑप्शन नंबर एक तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर, दो जास्पर तांबड़ा फेल्सपार जिप्सम, तीन जास्पर तांबड़ा पन्ना वोलेस्टोनाइट, या चार जास्पर तांबड़ा संगमरमर सीसा और जस्ता। तो वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है वो हैं, एक तो है जास्पर तांबड़ा पन्ना वोलेस्टोनाइट। जास्पर तांबड़ा वोलेस्टोनाइट इनका राजस्थान में जो है वो 100% उत्पादन होता है, वोलेस्टोनाइट का तो स्पेशली 100% और जास्पर का भी 100% जो उत्पादन है पूरे देश के अंदर वो राजस्थान में होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जास्पर तांबड़ा पन्ना वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर तीन। बाड़मेर साचौन जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बाड़मेर साचौर बेसिन प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर एक पेट्रोलियम हेतु, दो खनिज पदार्थों हेतु, तीन बायोगैस हेतु, या चार जिप्सम हेतु। तो जो बाड़मेर साचौर बेसिन है, बाड़मेर साचौर साचौर जालौर के अंदर पड़ता है, तो बाड़मेर जो साचौर बेसिन प्रसिद्ध है वो है पेट्रोलियम हेतु। जो बाड़मेर है वहाँ पर मंगला जो तेल क्षेत्र है, मंगला है, रागेश्वरी है, ये सारे तेल क्षेत्र है ये बाड़मेर के अंदर पड़ते हैं। तो बाड़मेर सांचौर जो बेसिन प्रसिद्ध है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर एक नाहर कटिया नूनमती बरौनी
दो सलाया कोयली मथुरा, या तीन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, या चार मुंबई अंकलेश्वर। तो जो पाइपलाइन है केवल गैस का परिवहन करती है वो है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर। इस पाइपलाइन के अंदर केवल गैस का परिवहन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के बाड़मेर सांचौर द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंध है। जो राजस्थान का बाड़मेर सांचौर क्षेत्र है उसमें तेल और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी का संबंध है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007। ऑप्शन नंबर एक है रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, दो ऑयल इंडिया लिमिटेड, के यर्न एनर्जी, या चार ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो जो बाड़मेर सांचौर द्रोणी है उनमें तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए के यर्न एनर्जी है जो संबंधित है। ये जो कंपनी है केयर्न एनर्जी, इसका संबंध है स्कॉटलैंड से। ये एक विदेशी कंपनी है, यहाँ हम लिख देते हैं कि स्कॉटलैंड की ये कंपनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केयर्न एनर्जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, जेल प्रहरी 2018 में। जो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर एक भारत के राष्ट्रपति द्वारा, दो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो जो राज्य के राज्यपाल हैं अनुच्छेद 155 के तहत उनकी जो नियुक्ति करता है वो है भारत का राष्ट्रपति। हमने कल की क्लास में देखा था कि जो अनुच्छेद 153 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य का। और सातवें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उससे हमने देखा था कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। 154 में अपन ने जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में हम देख रहे हैं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। अब 156 की तरफ हम देखें तो 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में, 156 में है पदावधि, राज्यपाल की पदावधि कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। और जो अनुच्छेद 157 है, अनुच्छेद 157 के अंदर लिखा हुआ है राज्यपाल की योग्यता, कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 155 के तहत राज्यपाल नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। पटवार 2021 का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल के कार्यकाल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 156। जो पदावधि है उसके बारे में, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल पद पर जो योग्यताएँ नियुक्त होने के लिए वो हैं अनुच्छेद 157 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हम पढ़े तो निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं उसके बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर एक है वह भारत का नागरिक है, दो वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, तीन वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, या चार वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो जो राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है उनके बारे में बताऊं, अनुच्छेद 157 में योग्यताएं लिखी हुई है। इस अनुच्छेद 157 के अंदर दो योग्यताएं हैं जो राज्यपाल पद के लिए हैं, कि वह भारत का नागरिक हो, जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है उसके लिए आवश्यक योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु। योग्यताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और जो इस पद के लिए जो शर्तें हैं वो है
वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये राज्यपाल के लिए शर्तें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2 व 3। ऑप्शन नंबर 2 व 3 है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कॉलेज लेक्चरर 2016, छात्रावास अधीक्षक 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गिलुंड, 2 आहड़, 3 पीलीबंगा या 4 कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कालीबंगा है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, ये कालीबंगा। और इसका जो दूसरा नाम है काली चूड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़े तो आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, JEE एग्जाम है 2020 का, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आहड़पुर, 2 अगजपुर, 3 आघाटपुर या 4 आदमपुर। जो जो आहड़ सभ्यता है उसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र सभ्यता। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर या ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। जो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो शुरू किया था वो व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर 1 ACL क्लाइल, 2 HD सांकलिया, 3 BB लाल या 4 एलेक्जेंडर कनिंगम। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण है वो जिस व्यक्ति ने चालू किया था वो है ACL क्लाइल। जो ACL क्लाइल है 1871 के अंदर इन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य चालू किया था। और भारत के अंदर सन 1861 के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना की थी किसने, एलेक्जेंडर कनिंगम ने। एलेक्जेंडर कनिंगम ने, ये रहा एलेक्जेंडर कनिंगम ने, सन 1861 के अंदर भारत के कोलकाता के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना की थी 1861 में। 1871 में राजस्थान में इसका जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो ACL क्लाइल को दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है 1996 और 1999 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तेजाजी का जन्म स्थल है। सेकंड ग्रेड GK 2022, पटवार 2021, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014। जो तेजाजी का जन्म स्थल है वो है खड़नाल नागौर में। खड़नाल जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है नागौर जिले के अंदर। तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला बाला का देवता, तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने में तेजाजी ने मदद की थी। ठीक है, तेजाजी के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो खड़नाल नागौर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। JEE ने एग्जाम में 2022 में वो पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो बेराट है जयपुर के अंदर उसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ये एकदम सही आंसर है। काली बंगा जो सभ्यता है उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। बागोर है इसकी खोज की थी VN मिश्रा ने। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आहड़ SP जैन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सुमेलित नहीं है, आहड़ की खोज SP जैन ने नहीं, जो अक्षय कीर्ति व्यास है, ए के व्यास उन्होंने सन 1953 के अंदर आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट हम देखते हैं फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है।
पर जो फंड है उस पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था, और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? क्वेश्चन सीधे शब्दों में पूछ रहा है कि जो 1992 में डाक टिकट जारी किया था वो किस लोक देवता के ऊपर जारी किया गया था? राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक बाबू जी, दो रामदेव जी, तीन देवनारायण जी या चार तेजा जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है देव नारायण जी। देव नारायण जी के ऊपर सितंबर 1992 के अंदर 5 रुपये का, यहाँ लिख देते हैं अपन, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था सरकार द्वारा सितंबर 1992 में। देव नारायण जी के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, ये इनकी फंड पर जारी किया गया था। देव नारायण जी की फंड के बारे में आपको बताएं तो देव नारायण जी की फंड है वो सबसे लंबी फंड के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के लोक देवताओं में जो सबसे लंबी फंड है, वो है देव नारायण जी की। और सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है, चित्रों का अंकन जिस फंड पर हुआ है वो देव नारायण जी की ही फंड है, देव नारायण जी की फंड है। ठीक है, देव नारायण जी का प्रमुख जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, जोधपुरिया निवाई के अंदर भी देव नारायण जी का मंदिर है, और पुष्कर के अंदर भी देव नारायण जी के मंदिर स्थित हैं। तो आज की ये क्लास में अपन ने इतनी सारी डिटेल देखी है, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन एक बार ढंग से लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको और भी आगे हमसे जुड़े रहना है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी कल की अगली क्लास में, जिनमें आगे जो भी क्वेश्चन हैं और बाकी के एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं या फिर इनसे ही संबंधित आगे जो भी व्याख्या करनी है, जानकारी करनी है, क्लास का रिवीजन जो भी करना है वो हमारी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।